नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। मुस्लिमों के पर्व ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर सरकार का कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस वर्ष समितियों ने जमशेदपुर में जुलूस नहीं निकाला। प्रत्येक वर्ष समुदाय द्वारा निकाले जाने से जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते थे, लेकिन कोरोना के कारण अन्य पर्व त्योहारों की तरह इस जुलूस को भी जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसका असर जमशेदपुर में देखने को मिला। वहीं युवाओं द्वारा रश ड्राइविंग कर किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, इसको लेकर सवेरे से ही प्रशासनिक अधिकारी शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति पर नजर रखे हुए थे। वहीं ट्रैफिक पुलिस को भी चेकिंग का विशेष दिशा निर्देश दिया गया था। वैसे समुदाय के कुछ युवाओं द्वारा मोटरसाइकिल में झंडा लगाकर विचरण करते शहर में देखा गया। वैसे देर शाम तक सिटी SP सुभाष चंद्र जाट और ADM लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का नियम की अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ सामाजिक तत्व हैं जो रैश ड्राइविंग करके आम जनता के लिए सड़क को असुरक्षित करने का कार्य करते हैं, सड़क पे स्टंट मारते हैं, खुद का भी जीवन खतरे में डालते हैं और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है उनका भी जीवन खतरे में डालते हैं। ये चेकिंग ऐसे ही लोगों को चेक करने के लिए है जो रैश ड्राइविंग करते हैं, जो स्टंट मारते हैं, जो रोड को एक असुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं, जो रोड के नियमों का उल्लंघन करते हैं और एक भय का माहौल रोड के ऊपर क्रिएट करते हैं। सर, अभी तक पनिश कर रहे हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन कर रहा है, स्पेशली ये रैश ड्राइवर, ये स्टंट में उनके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। सर, अभी विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, क्या सब चीज सब जगह पे जहाँ जहाँ फोर्स डिप्लॉयड थी वहाँ पे फोर्स को चुस्त दुरुस्त पाया गया और बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं और जमशेदपुर की जनता भी बहुत साथ दे रही है और कुल मिला के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठे। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।